हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट शेयर कैसे करते हैं, तो देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। दोस्तों, उसके लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि टीम व्यूअर यानी कि यूएसबी डायरेक्टर, और जिसका पोर्ट शेयर करेंगे हमें वो डोंगल हमारे पास होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है टीम व्यूअर को जो ओपन कर लेते हैं। फिर दोस्तों, आपको टीम व्यूअर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जाना है एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा में जाना है ऑप्शन में, देखते हैं ऑप्शन में चलाते हैं। फिर दोस्तों सबसे नीचे एडवांस, फिर सो एडवांस सेटिंग में जाना है। दोस्तों आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे सबसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ इंस्टॉल वीपीएन ड्राइवर, यानी कि इसे जो है इंस्टॉल अपने पीसी में यानी कि कर देना है, इंस्टॉल कर देना दोस्तों। ये अपने पीसी में यानी कि देख सकते हैं दोस्तों सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ हम यानी कि जिसका हमें यानी कि जिसके में हमें पोर्ट शेयर करना है दोस्तों, उसकी टीम व्यूअर की हम आईडी दोस्तों हम जो है उसका पीसी यानी कि कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ उसकी जो है आईडी यानी कि पासवर्ड हम डाल लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इनके पास यानी कि यूएमटी का यानी कि यूएमटी का डोंगल नहीं है। तो हम दोस्तों हमसे इन्होंने फ़ोन करके बताया कि हमारे पास यूएमटी का डोंगल नहीं है। तो दोस्तों हम जो है इन्हें अपना यूएमटी का यानी कि पोर्ट शेयर करते हैं। तो दोस्तों अभी इनके पास फ़ोन होगा तो दोस्तों वो आप ये फ़ोन अपना सही कर लेंगे। तो दोस्तों मैं इनका पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं पासवर्ड डाल कर लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों इनका पीसी हमारे पीसी में यानी कि खुल जाएगा। तो दोस्तों इनके पास भी यानी कि वही तीन चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों सबसे पहले टीम व्यूअर, दोस्तों दूसरे नंबर पर यूएसबी डायरेक्टर यानी क्लाइंट। दोस्तों इनके पास यूएसबी डायरेक्टर क्लाइंट होना चाहिए, दोस्तों अपने पास यूएसबी डायरेक्टर होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यूएमटी का यानी कि मल्टी टूल यानी कि क्यूसी फाइल इन्होंने डाउनलोड कर रखा है पहले से। तो देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले फिर उनके उसमें ही यानी कि टीम व्यूअर ओपन करना है, और फिर एक्स्ट्रा में जाना है, फिर ऑप्शन में जाना है, देख सकते हैं दोस्तों, फिर एडवांस में जाना है उनके पीसी में। जैसे अपने हमने दोस्तों वीपीएन का यानी कि ड्राइवर इंस्टॉल किया था, दोस्तों इनके में भी वीपीएन का यानी कि ड्राइवर इंस्टॉल करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों इनके में भी हमने ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया वीपीएन का। फिर दोस्तों यानी कि फिर अपने पीसी में आना है दोस्तों हमें। फिर दोस्तों हम अपने पीसी में आ जाते हैं। दोस्तों पहले इनके में हम दोस्तों यूएसबी डायरेक्टर क्लाइंट जो है रन कर देते हैं। दोस्तों इनके पीसी में यानी कि यूएसबी डायरेक्टर क्लाइंट यानी कि अपने में दोस्तों होना चाहिए यूएसबी डायरेक्टर दोस्तों, और दोस्तों दूसरे पीसी में होना चाहिए यूएसबी डायरेक्टर क्लाइंट जिसके में पोर्ट शेयर करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों इनके में यानी कि इंस्टॉल हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने जो है इंस्टॉल कर दिया है यूएसबी डायरेक्टर क्लाइंट। और दोस्तों फिर अपने हमें अपने पीसी में जाना है, अपने पीसी में आने के बाद दोस्तों फिर दोस्तों आपको यहाँ जाना है, देख सकते हैं दोस्तों वीपीएन पे कनेक्ट करना है। अपने पीसी में आने के बाद टीम व्यूअर खोलना है, वीपीएन वही आईडी डाली रहनी है, और दोस्तों फिर वही पासवर्ड यानी कि इसका जो वीपीएन कोड होता है दोस्तों वो आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों वीपीएन जो है यहाँ आईडी आ चुकी है, आईपी एड्रेस यानी कि आ चुका है। और दोस्तों इसे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद दोस्तों जिसके पीसी में हमें करना है वो वहाँ डाल देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं फिर अपने पीसी में दोस्तों हमें यूएसबी डायरेक्टर भी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं हमें ये वाला जो है यूएसबी पोर्ट शेयर करना है। देख सकते हैं दोस्तों एमटी का नीचे है स्मार्ट कार्ड वाला, देख सकते हैं दोस्तों। इसे दोस्तों शेयर करना है। हम चले आते हैं दोस्तों उनके पीसी में। दोस्तों यहाँ पीसी में आ गए दोस्तों, पहले जो है वो आईडी यानी कि आईपी एड्रेस दोस्तों हमें यहाँ डाल देना है, पेस्ट कर दिया दोस्तों। ओके दोस्तों आईडी यानी कि आईपी एड्रेस हमें यानी कि जो इनका निकाला था हमने वो यहाँ डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों अब जो है हम आप देख सकते हैं दोस्तों वो आ चुका है, यानी कि पोर्ट आ चुका है दोस्तों। इसे बस हमें कनेक्ट करना है इनके पीसी में, यानी कनेक्ट यूएसबी डिवाइस। देख सकते हैं दोस्तों इंस्टॉल हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों इनके में यानी कि हमारे हमने जो कनेक्ट करा दोस्तों उसका यूएमटी का देख सकते हैं दोस्तों हमने शेयर करा था दोस्तों। अब इनके में हम अब आ चुका है स्मार्ट कार्ड का, देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने ड्राइवर ले लिया है इनके पीसी में। अब दोस्तों यूएमटी का कोई सा भी टूल इनके में यानी कि रन कर जाएगा, यूएमटी का क्यूसी फाइल टूल यानी कि खोलना है और इन्हें एक फ़ोन सही करना है दोस्तों। इसी तरीके से आप यूएसबी शेयरिंग यानी कि पोर्ट शेयर आपको करना है दोस्तों। इसी तरीके से यानी कि अपने पीसी में यानी कि यूएसबी डायरेक्टर होना चाहिए, और जिसके में शेयर करने हैं उसमें दोस्तों यूएसबी डायरेक्टर क्लाइंट होना चाहिए दोस्तों, तभी आपका यानी कि पोर्ट शेयर होगा। तो देखते हैं दोस्तों हमारा क्यूसी फायर टूल यानी खुल चुका दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों आप यहां से अपना फ़ोन जो है कोई सा भी सही कर लेना है, एम आई का हो, सैमसंग का हो, दोस्तों कोई सा भी हो। इसी तरीके से आपको अपना
शेयर करके दोस्तों बिल्कुल आपको फ़ोन अपना सही कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।